एक कदम से अगर आंख बताते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी भोजन प्रोडक्ट का जितने भी साथी भोजन प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उन साथियों का कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो समाज को एक नई दिशा एक नया मजबूत समाज का निर्माण आप लोग करेंगे, ये सच्चाई है। वो पैसा कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होता है। जब वही सामान आपको यहाँ पर उचित रेट पर मिलेगा, कम रेट पर मिलेगा, तो मैं अपील करता हूँ कि बहुजन प्रोडक्ट को अपनाएं और बहुजन समाज को मजबूती प्रदान करें। ये बहुजन समाज की बात क्यों बार बार की जा रही है, इस 85% समाज की बात क्यों बार बार की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि 15% लोग किसी भी स्तर पर हम लोगों को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। वो किसी भी स्तर पर हम लोगों को खड़े होकर बोलना, आप लोगों को समझाना, इस बहुजन समाज को मजबूत करना उन लोगों को गवारा नहीं है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर ये बहुजन समाज मजबूत हो। आप देख लीजिएगा मेरी भी फेसबुक पेज पर 2-4 कमेंट ऐसे आ जाएंगे कि वो लोग अपने लोगों को मैसेज करते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं जाकर कि आप पतंजलि यूज कीजिए, आप यूनानी यूज कीजिए, आप ये भी यूज कीजिए, आप ये यूज कीजिए। इसी तरह हम लोगों को भी गांव-गांव जाकर हम लोगों को भी जमीनी स्तर पर काम करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि जब तक हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करेंगे, अपना बहुजन बाजार तैयार नहीं करेंगे और उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, तब तक हम बहुजनों को मजबूत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक संगठन के माध्यम से आंदोलन किए जा सकते हैं, आंदोलन करके अपनी बात मनवाई जा सकती है, लेकिन वो संगठन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन तक मजबूत रहता है, आंदोलन तक सीमित रहता है, या फिर वो संगठन सड़क जाम करने तक सीमित रहता है। हर स्तर पर संवैधानिक दायरे में अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन आज अगर समाज को फाइनेंशियली तौर से कोई मजबूत कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बहुजन बाजार बहुजन प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है, कहीं ना कहीं ये समाज को मजबूत करने का काम करेगा। इसीलिए साथियों कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बहुजन बाजार को अपनाएं, बहुजन प्रोडक्ट को अपनाएं और हो सके तो अपने राज्य अपने जिले में इसे लगातार निरंतर आप लोग जितने भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं इसे अपनाने का काम करें। इसी के साथ मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय मान्य और धन्यवाद।